और मैं अब अर्शद अब्बासी साहब भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं जी, मायनाज एनर्जी एक्सपर्ट है, एडवाइजर वाटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी रह चुके जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पना मंसूबों के साथ अफिलिएटेड है, नंदीपुर के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद अब्बासी साहब आपकी आमद का। अर्शद अब्बासी साहब, सवाल मैंने किया था डॉक्टर फारूख सलीम साहब से कि ये सेक्टर पावर सेक्टर तो हुकूमती तरजीह है, हाउ कम दिस सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग डिस्पाइट बींग गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी? देखिए, जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की वो बिल्कुल है, लेकिन ये जो प्रायोरिटी एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी बनी है उन लोगों के लिए जिनके बड़े एक बड़ा वो इंतज़ार कर रहे होते हैं वेटिंग द विंग्स कि जब गवर्नमेंट आएगी या मिनिस्टर बनेंगे और फिर जो कुछ होता है, ये बात भी हकीकत है। डॉक्टर साहब ने आगे आपके सामने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, उन्होंने तो सारे एक एक फॉल्ट बता दिया और ये भी बता दिया कि हर खानदान को 45,000 रुपये का टीका लगाए, ये जो 13 देखिए ये जितने भी जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मैं एक बात कहूँगा, ये बड़ा डेलिब्रेट एक्ट है, ये बड़े सियाने हैं। अगर यही अपने काम के लिए जब कोई काम करेंगे तो देखें कितनी दफ़ा बारगेन करते हैं क्या नहीं करते। आज पाकिस्तान में बिजली जो महंगी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, इसकी मेन वजह हमारा एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। इसमें काम एक रेगुलेटर का भी है। आप यकीन करें कि वो जो जितने भी जो रेगुलेटर हैं उसमें जो मेम्बर्स हैं या चेयरमैन हैं, अगर शायद कोई 4-5 जन की क्लास ही ले लें इन्हीं डॉक्टर साहब से कि जी किस तरह, जिसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस करनी है कि ये इस पावर प्लांट की कीमत कितनी है, ईपीसी कास्ट कितनी है, दुनिया में किस कास्ट से ये पावर प्लांट आते हैं, हमारे किस कास्ट में लगते हैं। असल बेसिक इशू ये है कि यही एक मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में कितने का आता है और इंडिया में कितने का आता है और जापान में, क्योंकि बांग्लादेश में असल इशू आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये तो और सिंपल ये मैथमेटिक्स है, ये कोई बड़ी कम्प्लेक्स गेम भी नहीं है। अगर आज एक प्रोजेक्ट को अगर खोला जाए, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया जाए या जिस तरह इसका एनालिसिस उस तरह किया जाए जो कि दुनिया में लोग करते हैं प्रोफेशनल, उस तरह का नहीं जिस तरह की यहाँ पे हमारी ऑडिट टीम्स करती हैं। क्योंकि मैंने नंदीपुर का जो देखा है ऑडिट, और मैंने जब उनसे पूछा ऑडिटर से कि जी आपका तरीकाकार क्या, जी कहते हैं हम तो फाइल पूरी करते हैं कि फाइल पूरी है या नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है, इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है ऑडिटर जनरल की कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम की मौजूदगी के बावजूद इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये बेजाबतगी और बेकायदगियां। मैं बस इसके खिलाफ में आपसे कहूंगा कि जो सबसे बड़ी कैपेसिटी की जरूरत है या जो बेसिक जो इश्यू है हमारे ऑडिट के साथ है, ऑडिट कभी साइड पे जा ही नहीं सकते। वो तो बेचारे आप कहें कि सिंपली ग्रेजुएट बीए पास ऑडिटर्स होते हैं जो कि देखते हैं कि जी वो कागज़ के साथ पेपर लगा हुआ है, 3 कोटेशन पूरी हैं, ये इतनी है, ये उनका ये काम कि वो ड्यू डिलिजेंस कर सके। मेरे ख्याल में मैंने कितनी ऑर्डर टीम्स को देखा और मैंने कहा यार आप कैसे ऑर्डर करते, तो वो जो एक फाइल्स का ऑर्डर है, इसलिए आपके पास एक न्यूज़ भी शायद आई होगी कि इतनी बड़ी इररेगुलरिटीज़ हुई हैं।